दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। ये जो आप फील्ड देख रहे हैं सभी लो टनल्स में कवर्ड है, और आगे हमारा 56 कद्दू है जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, और इस साइड में फूल गोभी लगा रखा है, और आगे अभी ट्रांसप्लांट किया है उसमें लॉन्ग मिलन है जिसको ककड़ी बोलते हैं। तो ये सारा का सारा हमने लो टनल में लिया है, और जो मुझे आज दिखाना है वो आप देखिए, ये टमाटर है। इस टमाटर को मैंने लगाया था 30 दिसंबर को, और अभी 23 दिन हो चुके हैं, और आप टमाटर देखें तो सारे के सारे प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं, सारे हेल्दी हैं, और सभी प्लांट्स को अगर आप देखें तो प्लांट का जो स्टेम है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, और पौधा भी पूरा ग्रीन है। तो इस तरह से मैंने एक ये बेड है, 2, 3, 4 बेड टमाटर लगाए थे लो टनल में। तो अगर मैं सभी को दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, कितने अच्छे प्लांट्स चल रहे हैं हमारे। और ये वैरायटी है, और दोस्तों ये जो वैरायटी है ये उसकी एडवांटा की है 1247, जो इसी सीज़न में लगती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो मुझे उम्मीद है ये जो मेरा टमाटर है ये बाकी जो फार्मर्स हैं जो नॉर्मल अभी जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनसे एक महीना पहले आ जाएगी, और ये हमें काफ़ी अच्छा रेट दे के जाएगी, क्योंकि मार्केट में अगर टमाटर अभी देखें आप तो 40-50 रुपए किलो टमाटर बहुत ही इजीली सेल हो जाता है, और जिस टाइम पे टमाटर आएगी उस टाइम पे मार्केट में टमाटर बहुत ही कम रहेगा और हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आपसे यही कहना है कि आप भी टमाटर को दिसंबर में ट्रांसप्लांट कर दिया करें, और उसको लो टनल से कवर कर दें। लो टनल क्या करेगा कि सारे प्लांट्स को सर्दी से बचा के रखेगा, जो इस टाइम पे कोहरा पड़ता है उससे बचा के रखेगा, और प्लांट्स आपका हेल्दी चलेंगे। तो इस तरह से आप भी खेती करें और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आपके मन में कोई और क्वेश्चन आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।